खुद ही को हम देख पा रहे हैं, वो वहां पर उपस्थित हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान से जुड़े लोगों से, या फिर क्या कुछ आज वो अपनी तरफ से एड ऑन करके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे गंगा को अविरल निर्मल शुद्ध रखना है। तस्वीरों में साफ कि वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शायद कुछ वक्त और जब ये बैठक शुरू हो जाए, कितना वक्त लग सकता है अमीश, एक बार फिर से जाना चाहेंगे, क्या किसी का इंतजार हो रहा है अभी वहां पर और आने का? देखिए बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी नदियों से को जोड़ने की जो कार्य योजना उस पर आज अमल होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए की योजना है जिसपे अमल किया जाएगा और आज उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है गंगा को किस तरह और ज्यादा स्वच्छ किया जाए, जो छोटी नदियां हैं उनको किस तरह और स्वच्छ किया जा सके, उस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर बैठक शुरू होनी है और प्रधानमंत्री बैठ गए, अभी जो अधिकारी और मंत्री वहां उनसे सभी परिचय लिया जा रहा है, बातचीत किया जाए, अभी बैठक शुरू हुई होने वाली है और जो परिचय लिया जा रहा है उनसे बातचीत शुरू भी हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस पूरी बैठक की जो राष्ट्रीय गंगा परिषद उसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं और देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री क्या निर्णय ले पाते हैं और कितना महत्वपूर्ण जो विषय है, क्योंकि गंगा का जो प्रोजेक्ट है वो आज से नहीं राजीव गांधी के कार्यकाल से बराबर, जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल चला, 1,000 करोड़ रुपए गंगा को सफाई अभियान में खर्च हो चुका, लेकिन गंगा आज तक कभी स्वच्छ निर्मल नहीं हो पाई और आज ये उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री की ना गंगा के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो गंगा स्वच्छ निर्मल हो और आचमन के योग हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार गंगा को स्वच्छ करने की बात कही गई थी, अभी तक शायद उसमें उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है सरकार को। हालांकि वहां का जो सीसामऊ एक सबसे बड़ा नाला था जो गंगा नदी में गिरता था उसको जरूर बंद कर दिया गया, उसकी वजह से शायद थोड़ी कायाकल्प हो जाए अब गंगा नदी की, ऐसी ही उम्मीदें वहां पर जताई जा रही है। कानपुर के जो लोग हैं वो भी इससे काफी खुश हैं क्योंकि गंगा का पानी अब उनको स्वच्छ प्राप्त होगा, इसकी वजह से बातचीत करनी शुरू कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी आपको दिखाया था हमें दर्शकों को अवनीश की किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो मंत्री वहां पर आ चुके हैं, जो इस अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, तो आगे शायद प्रेजेंटेशन कोई दिखाई जा रही जिसको बड़े ध्यान पूर्वक सीएम योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं। क्या अवनीश, क्या कुछ आज खास हो रहा है इस बैठक में? हालत थी गंगा कितनी गंदी थी और गंगा किनारे घाटों पे क्या क्या स्थितियां थी, अब गंगा घाट कितने स्वच्छ हो गए हैं, गंगा कितनी सफाई हो गई है, गंगा में अब कोई गंदा नाला नहीं गिर रहा है, गंगा में कोई ऐसी ट्रीटमेंट प्लांट जो चालू करा दी उसे गंगा में कोई गंदगी नहीं गिर रही, लेदर इंडस्ट्री का कोई केमिकल वहां नहीं गिर रहा है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी है। बिल्कुल, देखिए हम बात कर रहे थे शायद कोई प्रेजेंटेशन हो जिसको वहां पर सभी उपस्थित लोग उसको देख पा रहे हैं। अभी तस्वीरें भी क्लियर हो गई कि वहां पर एक बकायदा पूरी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है गंगा पे, वो दिखाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसे बड़े ध्यान से देखते हुए नजर आ रहे हैं हमेशा में तस्वीरों में। देखिए गंगा कहीं ना कहीं घाटों से दूर हो गई थी, इसके अलावा गंगा में इतना भी पानी नहीं बचा था लोग उसका आचमन भी कर सके, लोग अब मजबूरी गणपति पावनी कहलाती है और उसको आचमन योग्य बनाने के लिए जो सरकार ने किया उस पर अमल करने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में हो रही है और इसकी अध्यक्षता से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कानपुर के लोगों को, इस कानपुर और गंगा जहां गुजरती, इलाहाबाद की बात करें, बनारस की बात करें, हर जगह के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा अब आचमन योग्य हो जाएगी, क्योंकि गंगा का जो MLD जो पानी की जो शुद्धता की बात कही जा रही थी उसका कई बार नमूने लिए, भारत समाचार ने कई बार सैंपल लिए और जांच भी करवाई, लेकिन गंगा का पानी इस लायक नहीं था कि उसका आचमन भी किया जा सके। गंगा और तौर तो कभी कहा जाता है गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन गंगा के पानी में कीड़े भी पड़ गए, तो कहीं ना कहीं गंगा का पानी इस कदर दूषित हो गया था, लोग उसमें आचमन डुबकी लगाना तो बहुत दूर, आचमन करने से ही बच रहे थे, लेकिन अभियान की शुरुआत होने बाद, इस प्रोजेक्ट नमामि गंगे की शुरुआत के बाद से अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब गंगा का पानी आचमन करने हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद सभी को ऐसी है, लेकिन अवनीश देखिए जब ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होने वाला था उससे पहले कहा जा रहा था कि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बैठक में उपस्थित रहेंगे, लेकिन अभी तक हमें इन तस्वीरों में वो नजर नहीं आए अभी। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भेज
झारखंड ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पश्चिम बंगाल से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, सिर्फ तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद है, योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के हरक सिंह रावत मौजूद है और झारखंड और बिहार से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आए। पहले ये उम्मीद जताई जाती थी कि पांचों राज्यों के राज्यपाल भी आएंगे, लेकिन राज्यपाल नहीं आए, सिर्फ तीन राज्यों के दो राज्यों मुख्यमंत्री और एक राज्य उप मुख्यमंत्री आए। पश्चिम बंगाल और झारखंड ने जबकि कहीं ना कहीं जो गंगा है इन सभी उनसे राज्यों से कोई गुजरती है, आच्छादित होते हैं गंगा से वो राज्य और गंगा से ही समृद्धि होती है उन राज्यों में, लेकिन उन्होंने फिर भी इस महत्वपूर्ण बैठक किनारा कर लिया। इसकी वजह राजनीति कही जाए या और भी वजह जो भी है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बैठक से किनारा कर लिया। देखिए जो शॉर्ट फिल्म दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे भारत समाचार में जो तस्वीरें उनको नजर आ रही होंगी उसमें देखिए दिखाने की कोशिश की कि स्वच्छता किस तरह से जरूरी है और किस तरह से हर एक वर्ग को हर एक तबके के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किस तरह से सड़कों पर जब ये कचरा फैलता है तो हमारा शहर हमारा देश प्रदूषित होता है, उसकी सफाई करते हुए इस प्रेजेंटेशन में हमें लोग भी नजर आए, गंगा का स्वच्छ पानी वो भी नजर आया और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बुक को खोलते हुए शायद इस बैठक में आगे की जो बात है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ आज इस बैठक में होगा अवनीश वो भी हम आपसे समय समय पर जानते रहेंगे और आप हमें बेहद अहम जानकारियां पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन अवनीश एक चीज ये भी बताइए, ये जो बैठक हो रही है इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं अंदर हॉल में कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल, एक बार जरा डिटेल में बताइए। देखिए इस बैठक सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वहां मौजूद हैं और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो भैरव सिंह शेखावत वहां मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वहां मौजूद हैं, लगभग 12 कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री वहां मौजूद हैं और जो यहां स्थानीय जो अधिकारी हैं और स्थानीय मंत्री विधायक हैं कानपुर के वो लोग वहां बैठक में मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है गंगा के अभियान से जुड़े जो भी